नमस्कार, वक्त है साडा पंजाब का और बात हो रही है उपचुनावों की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनावों के लिए कल वोटिंग होगी और 24 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। पंजाब में दाखा, मुकेरिया, फगवाड़ा और जलालाबाद सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पंजाब में मुख्य रूप से अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मुकेरिया सीट पर किस पार्टी ने किस नेता पर दांव खेला। तो ये मुकेरिया सीट की बात हो रही है। बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल, जंगीलाल महाजन, गुरुध्यान सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इंदुबाला। मुकेरिया सीट में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,000 और कुल 241 पोलिंग बूथ होंगे। मुकेरिया में 187 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 24 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,503 है मुकेरिया में। तो मुकेरिया से हमारे संवाददाता राजेंद्र कुमार हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही है? तैयारियां कैसी हैं? सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? राजेंद्र, आप तक हमारी आवाज जा रही है? जिन्होंने अब इतों बूथों में रवाना कर दिया जाऊगा। 241 बूथ लगे ने जी मुकेरिया विधानसभा जी। जी जो बूथ बड़े संवेदनशील आ जी, उतो भी जी फोर्स वगैरह लाती है जी, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम के नाल। इन्होंने इतने एक मुकेरिया में एक क्वार्टर बना रखा है जितने उन्होंने देख के देख रेख उतो होगी मुकेरिया जी। सुबह 6 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक चलेगी। राजेंद्र, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा बढ़िया, सुरक्षा कर लगा रखी है उन्होंने जी, कई फोर्सेज लगा रखी है जी, सभी इंतजाम पूरे कर रखे हैं जी इन्होंने, बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं जी। राजेंद्र, प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा, कोई अनुसमी घटना हो, कुछ कई ऐसी बात ना हो जाए, इसके लिए सारे सभी के सभी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं जी। राजेंद्र, ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो मुकाबला किन पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है? ये अगर बात करें मुकाबले की, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है जी। इंदुबाला कांग्रेस के प्रत्याशी है जी, जी और महाजन जी हैं जो बीजेपी के हैं। इन दोनों के अंदर काफी तगड़ा मुकाबला चल रहा है। कल सीएम साहब की रैली हुई थी, रोड शो निकाला, काफी कट देखने को मिला। इधर बीजेपी वालों ने सनी देओल को लेके आए थे, कौशराज हंसी को लेके आए थे, उन्होंने रोड शो निकाले, पूरा जोर लगा रखा है इन्होंने जी। 60 से ऊपर इन्होंने सभाएं की है, लोगों को एक मंच में इकट्ठा किया है दोनों पार्टियों ने बहुत। राजेंद्र, आवाम का रुझान किसकी तरफ समझ में आ रहा है? किनके मुद्दों से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं, किनके दावों से वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं? मुकेरिया विधानसभा में एक मुद्दा बहुत अहम है जो माइनिंग का है जी, क्रेशर माइनिंग, जहाँ पे खूब पैर फसा रखी है, रखे हैं इन्होंने जी। उस मुद्दे को लेकर ही जो यहाँ का मतदाता है वो मतदान करने के लिए तैयार हुआ है कि ये क्रेशर माफिया यहाँ से खत्म होगा। और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि अगर हम सत्ता में आए तो यहाँ से क्रेशर माफिया को खत्म कर देंगे। चले सप्ताह में आए तो क्रेशर माफियाओं को खत्म कर देंगे, ये आश्वासन पार्टियों ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ मुकेरिया से हमारे संवाददाता जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से मुकेरिया में क्रेशर माइनिंग एक अहम मुद्दा है अपने आप में, जिसको लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में पहुंचे भी थे और जनता ने के बीच में चूंकि ये मुद्दा बेहद अहम रहा तो इस वजह से प्रत्याशियों पर वो विश्वास जताते भी नजर आएंगे। तो वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए फगवाड़ा सीट पर किस पार्टी ने किस नेता पर दांव खेला है ये दिखाते हैं।
फगवाड़ा सीट की बात करें तो बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के अलायंस से राजेश बग्गा चुनावी मैदान में, संतोष कुमार घुग्गी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं बलविंदर सिंह धालीवाल। तो ये फगवाड़ा सीट का समीकरण है। कुल मतदाताओं की संख्या 184,829, महिला मतदाताओं की संख्या 87,488 मतदाता हैं महिला, पुरुष मतदाता 97,334। थर्ड जेंडर मतदाता 7। मैदान में हैं कुल 9 प्रत्याशी फगवाड़ा सीट से। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान सुनिश्चित है। इसी के बीच में इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 24 अक्टूबर को परिणाम सामने आएंगे। कुल मतदाताओं की संख्या 184,829 है, जिनमें से महिला मतदाताओं की संख्या 87,488। इसी तरीके से पुरुष मतदाताओं की संख्या 97,334। थर्ड जेंडर 7 मतदाता हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमजीत जुड़ चुके हैं, फगवाड़ा से जुड़े हैं। परमजीत, तो क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही है, कल चुनाव होने हैं, तैयारियां कैसी हैं? जैसे कि चुनाव की प्रक्रिया के लिए तकरीबन सारे के सारे जो इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया करवानी है उनको अलग अलग टोलियों में अलग अलग पोलिंग बूथों में भेज दिया गया है, और करीब 220 के करीब जो है पोलिंग बूथ हैं फगवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए, जिसमें जो 149 हैं वो संवेदनशील बूथ हैं, जिनमें की 1350 के करीब जो पैरामिलिट्री और पंजाब पुलिस के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको लगाया गया है, ताकि ये इलेक्शन प्रक्रिया है पूरी तरह से सुचारू चल सके। इसके अलावा जो 880 के करीब जो सिविल कर्मचारी हैं उनको 220 पोलिंग बूथों के लिए भी लगाया गया है, जो कि चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से उसमें योगदान दें। परमजीत, अमूमन ये देखने को मिलता है कि पोलिंग का समय जब स्टार्ट होता है, मतलब टेस्ट तो पहले ही मशीनें कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ बैकअप भी रखा जाता है, ऐसे कुछ इंतजाम तो देखने को मिलेंगे? इंतजाम वैसे सिक्योरिटी के लिहाज से इन्होंने इंतजाम तो पूरे किए हैं, लेकिन जो इसमें एक जो नई बात आई है वो ये है कि जो एक सबसे पहले जो सबको एक जो स्लिप है वो प्रशासन की तरफ से दी जाएगी वोटरों को, जिसकी की वेरिफिकेशन होगी वोट डालने से पहले, उसके एक उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी वो स्लिप के जरिए पहले वेरिफिकेशन होगी, अगर वेरिफिकेशन पे पूरा सेटिस्फाई ऑफिसर नहीं होगा पोलिंग बूथ पे तो उसकी जो वोट है वो डाली नहीं जाएंगी। जी परमजीत, पिंक बूथ और जो है जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए भी विशेष इंतजाम इन वोटिंग्स में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे कुछ इंतजाम किए गए हैं क्षेत्र में? जी बिल्कुल, जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो ट्राई साइकिल्स हैं या दूसरे और तरह के इंतजाम वो किए गए हैं जी। अमूमन क्या है, यहाँ जो फगवाड़ा है शहरी होने के साथ साथ देहात का एरिया जो इसको लगता है, लेकिन इसमें जो कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं वो काफी इसमें योगदान देते हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से इनका पूरा जो है इंतजाम किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए क्षेत्र में, कल चुनाव होने हैं, फगवाड़ा सीट का समीकरण हम आपको बता रहे थे, किस तरीके से तीनों पार्टी के दिग्गज चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं और कुल मतदाताओं की संख्या 184,829 है। तो अब दाका सीट पर नजर डालते हैं कि आखिरकार किस पार्टी ने किसने तो अपारा दाव खेला है, किस पर अपना विश्वास जताया, उसके बाद आपको दाका में किए गए सुरक्षा के इंतजाम से रूबरू भी करवाते हैं। तो दाका सीट की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का अलायंस है, मनप्रीत इयाली यहां से प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अमनदीप सिंह
और इसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से संदीप सिंह संधु चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। तो दाखा से ये प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। पंजाब दे विच चार जिमनी चोणां होण जा रही ने, जिदे विच दाखा की जिमनी चोण जड़ी बड़ी अहम मनी जा रही है। तो तुसी देख सकते हो इस समय दाखा हल्के दी तस्वीरां जिथे कि पुलिस जिहड़ी हैगी है इन्हां जे पोलिंग बूथां ते जाण लई तैयार बैठी है। ते नाल ही अगर गल करिए हर बारी शख्स दे उत्ते जिहड़ी हैगी है पुलिस दी पैनी नज़र जिहड़ी हैगी है वह पूरी तरह रह रही है। ते कोई भी जिहड़ा बाहरली बाहरी शख्स आंदा है पहला पुलिस उहनूं पुछताछ कर रही है। ते नाल ही पुलिस का मनना है कि वह पूरी तरह जिहड़ी हैगी है निरपक्ष चोण कराएगी। लेकिन हुण इह तां आने वाला समय दसेगा कि चोणां दे विच इह जिहड़े चोणां ने इहदे विच किहड़ा उम्मीदवार जिहड़ा हैगा दाखा दा लोग चुन के उन्हें लैके जाते रहे। हुण इह तां आने वाला समय ही दसेगा कि किहड़ा उम्मीदवार जिहड़ा हैगा इस इलाके की जिहड़ी सेवा वास्ते जिहड़ा अगे आंदा। लुधियाणा तो अभिषेक बैल दे नाल अमनदीप खैरा जनता टीवी। तो हमारे संवाददाता अभिषेक बहल हमारे साथ जुड़े हैं लुधियाना से हमारे संवाददाता हैं। अभिषेक क्या कुछ अपडेट है, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं क्षेत्र में, कल चुनाव होना है? बिल्कुल, पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है वो दाखा इलाके में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें थोड़ी देर पहले भी अभी एक छोटी घटना हुई थी कि जहां पर बताया जा रहा था कि कुलबीर जीरा जो कांग्रेस के एमएलए हैं और उसकी तरफ से जो कुछ बाहरी लोगों को लेकर सराबा गांव में पहुंचते हैं, तो उसके दौरान जो अकाली दल के मनप्रीत अयाली हैं अपने कुछ साथियों समेत यहां पे पहुंचते हैं और उनको रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह सत्ते में है। और अगर बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं और इस समय सराबा गांव में एसपी जो है वो भी पहुंच चुके हैं और जो बाहरी और शख्स थे और कोई भी कैंडिडेट है उसको यहां पे नहीं खड़े दिया होने दिया जा रहा और सभी को यहां से खदेड़ दिया जाता है। और अब जो है सुरक्षा के इंतजाम जो है इस गांव में और पुख्ता कर दिए गए हैं, पुलिस बल जो है भारी बल जो है वो यहां पे मौजूद है। जी अभिषेक, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं, अगर हम दाखा हल्के की बात कर लें, दाखा सीट की बात कर लें, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो किनके बीच में समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये जो पूरा इस समय चुनावी दौर है, दो प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस और अकाली दल है वो उन्हीं के बीच में माना जा सकता है। और इसी समय अगर चुनावों की बात करें सराबा गांव में हम खड़े हैं, सराबा गांव में जो पुलिस के पुख्ता जो है इंतजाम किए गए हैं और कहीं ना कहीं अगर बात करें सुरक्षा बल है जो पूरी तरह यहाँ मुस्तैद है, पुलिस जो है किसी भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। कहीं ना कहीं अगर बात करें कि किसी भी अनपछाते व्यक्ति को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ना ही सभी पे पूरी तरह से नजर बंद किए हुआ है। जी अभिषेक, आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि सूबे में उसका वर्चस्व बढ़ा है और जो है मतदान फीसदी भी उनका बढ़ा है, लेकिन क्या वजह रही कि मतदाता आम आदमी पार्टी को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे? बिल्कुल, अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी से जो यहाँ के वोटर हैं वो काफी निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी की बात करें तो जिस तरह पहले वो अपना इस इलाका निवासियों को जो धोखा देकर चले गए थे, अब वो लोग जो हैं आम आदमी पार्टी से उनका जो भरोसा है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ दो कैंडिडेट में जो टक्कर है वो मानी जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ताजा अपडेट पर लगातार नजर बना करके रखिए। तो आपको बता दें दाखा सीट का, हम आपको बता रहे हैं दाखा सीट का क्या कुछ समीकरण है, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल मनप्रीत याली, आम आदमी पार्टी अमनदीप चुनावी रण में है, इसी तरीके से कांग्रेस से संदीप सिंह संधू और टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मानी जा रही है। तो अब बात करेंगे जलालाबाद सीट की कि आखिरकार किस पार्टी ने किस प्रत्याशी पर दाव खेला है, अपना विश्वास जताया। देखिए तो बीजेपी शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो डॉक्टर राज सिंह चुनावी रण में है, आम आदमी पार्टी की तरफ से महिंदर सिंह चुनावी रण में है, कांग्रेस की तरफ से रमिंदर आवला। जलालाबाद सीट में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से डॉक्टर राज सिंह, आम आदमी पार्टी की तरफ से महिंदर सिंह, कांग्रेस की तरफ से रमेंद्र आवला। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी और शिरोमणि
अकाली दल की तरफ से डॉक्टर राज सिंह चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से महेंद्र सिंह और कांग्रेस की तरफ से रमेंद्र आवला चुनावी रण में हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब सूबे की बात करें तो पंजाब सूबे में 4 सीटें खाली हुई हैं। 4 सीटों में दाखा, फगवाड़ा, जलालाबाद और मुखेरिया। तो फाजिलका से हमारे संवाददाता सुरेंद्र गोयल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? मुझे आपको बता दूं कि कल 21 तारीख का कल जलालाबाद उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन ने बिल्कुल कर रखी है। इसमें से टोटल जो वोट है 204,154 वोट है और 239 बूथ बना रखे हैं और जो पोलिंग पार्टी है उनको रवाना कर दिया गया है तो अपने अपने बूथों में जाकर चलेंगे। पूरी तरह मुकम्मल अरेंजमेंट है और पूरी तरह पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी गई है, किसी तरह की लोग बेखौफ होकर चुनाव करें, किसी बात की कोई घटना ना अपने घट जाए। सुरेंद्र, इस वजह से भी ये उपचुनाव बेहद अहम हो जाते हैं और सुरक्षा की चर्चा इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों सूबे में जिस तरीके की घटनाएं, आतंकी घटनाएं देखने को मिली और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाए गए, तो एक बड़ा सिरदर्द है सूबे की सरकार के लिए। बिल्कुल 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 पूजा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कारण क्या है, ये सरकार की बहुत बड़ी एक चुनौती है क्योंकि आतंकवादी घट रही है, जम्मू कश्मीर भी घट रही है। अभी आपको बता दूं कि जलालाबाद जहां उपचुनाव है, रात को ही शाम को कल 7 बजे के करीब एक दुकानदार से शरेआम दुकानदार 7 बजे क्या टाइम होता है, 2 मोटरसाइकिल सवार आए और एक दुकानदार को उसके बुजुर्ग आगे बैठा, उसने गन्ना कैश का नकदी उठाकर ले गया, गन्ना उठाकर ले गए। तो अभी तो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इतने सुरक्षा प्रबंध है, फिर ऐसे वाक्य हो जाए तो सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह तो लगना ही है। बिल्कुल लगना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जलालाबाद से हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं क्षेत्र में।